हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर्स। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। ये प्रैक्टिस सेट उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। आप यहाँ से भी अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। आप आरआरबी ग्रुप डी के प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो इस प्रैक्टिस सेट से भी आप अपने प्रिपरेशन को जारी रख सकते हो। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है। उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव द नर्वस सिस्टम। ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए है लीच, ऑप्शन बी दिया गया है कॉकरोच, ऑप्शन सी दिया गया है अमीबा, ऑप्शन डी दिया गया है स्पाइडर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमीबा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अमीबा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अमीबा एनिमल डज नॉट हैव द नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी दिया गया है सेरिबेलम, ऑप्शन सी दिया गया है थैलेमस, ऑप्शन डी दिया गया है सेरिब्रम। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका सेरिब्रम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट है, द ह्यूमन बॉडी मोस्टली गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मिनरल, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। द ह्यूमन बॉडी मोस्टली गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया आपको, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी दिया गया है पैनक्रीज, ऑप्शन डी दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट दिया गया है, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन डी प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्टार्च। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम कॉल्ड। ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए करेंट जिसको आई से डिनोट किया जाता है, ऑप्शन बी दिया गया है पावर जिसको पी से डिनोट किया जाता है, ऑप्शन सी दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस भी, ऑप्शन डी दिया गया है वर्क डन डब्लू। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पावर। पावर बोला जाता है वर्क डन पर यूनिट टाइम को, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट। ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए इंटरफेस, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी लिक्विड, ऑप्शन डी सॉलिड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। साउंड जो है वो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग
कलर्ड लाइट हैज द लीस्ट स्पीड इन ग्लास प्रिज्म? ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी दिया गया वायलेट, ऑप्शन सी दिया गया येलो, ऑप्शन डी दिया गया रेड। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कांच के प्रिज्म में निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो वो होती है वायलेट की। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जिसको बैगनी भी बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वायलेट। वायलेट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। वायलेट कलर्ड लाइट हैज़ द लीस्ट स्पीड इन ग्लास प्रिज्म, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट? ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए आई इंटू आर स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया गया है वी इंटू आई, ऑप्शन सी दिया गया है आई स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन डी दिया गया वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पावर को कौन सा जो फॉर्मूला वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो वो नहीं करता है कौन सा, आई इंटू आर स्क्वायर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पावर इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू V इंटू I होता है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप इसको पुट करके यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो I स्क्वायर R पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप निकाल सकते हो ओम्स लॉ से। अगेन अगर ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हो तो I इज इक्वल टू V बाई R होता है, तो अगर आप इसको इक्वेशन में डालोगे तो P इज इक्वल टू आपको निकल के क्या आएगा, V स्क्वायर बाई R, ठीक है, इसलिए वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग ड्यू टू द फोर्स इन अ स्प्रिंग बैलेंस इज मेजर्ड बाई? ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए डिजिटल डिस्प्ले, ऑप्शन बी अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल, ऑप्शन बी सी दिया गया है द हाइट ऑफ द मर्करी, ऑप्शन डी दिया गया है द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। सो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल, बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग ड्यू टू द फोर्स इन अ स्प्रिंग बैलेंस इज मेजर्ड बाई अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल आपका यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कार्बन इन ऑल इट्स एलोटॉपिक्स फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव? ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। किसके फॉर्म में होगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके RRB JEE CBT 1 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा? ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी दिया गया है कैल्शियम एसीटेट, ऑप्शन सी दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा को कॉमनली क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक स्पीसीज एग्जिस्ट्स इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी H+, ऑप्शन सी H3O+, ऑप्शन डी दिया गया है HCl-। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, H3O+, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, H3O+C, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके?
ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन दिया गया है क्रोमाइड, बी दिया गया है फ्लोराइड, ऑप्शन सी दिया गया है सल्फाइड, ऑप्शन डी दिया गया है ब्रोमाइड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्लोराइड इज एडेड टू वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन ए सॉल्ट, ऑप्शन बी इंडिकेटर, ऑप्शन सी बेसिस, ऑप्शन डी एसिड्स। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंडिकेटर, यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो गया। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिले। ये वीडियो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है और आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी हेल्पफुल है, तो आप यहाँ से अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।